सब्सक्राइब करिए गुरु आयुर्वेदा चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को हमारी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, गुरु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आपको पथरी होने के कारण, उसके लक्षण और निवारण के बारे में बताए जा रहे हैं। पथरी होने के मुख्य कारण जंक फूड, फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें, विशेष लाल मिर्च, खट्टी चीज़ें इत्यादि के खाने से पाचन क्रिया के गड़बड़ होते रहने से पथरी बनना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को खाने से गुर्दे में क्षारीय तत्व अधिक बढ़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कैल्शियम, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि चीज़ें इकट्ठे होने लगती हैं और पथरी का रूप धारण कर लेती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेशाब करने में दर्द का अनुभव होना, रुक रुक के पेशाब आना, पेशाब में जलन पड़ना, उल्टी होना और पेट में चुभने के समान भयंकर दर्द का होना। कई बार तो दर्द के इंजेक्शन लगवाने के पश्चात भी रोगी को आराम नहीं मिल पाता। आज हम आपको इस प्रकार के रोगियों के लिए घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। कुल्थी का दाल सुबह शाम बड़े कटोरी में एक एक कटोरी देसी घी का तड़का लगा करके, जीरा और हल्दी का तड़का लगा करके, सेंधा नमक डाल के अगर खाते हैं, उससे पथरी आपके गल की निकल जाएगी। पपीते का जड़ 6 ग्राम की मात्रा में अगर उसको पीस करके दिन में 3 बार लेते हैं, इससे भी आपके पथरी जो है निकल जाएगा। इसी प्रकार से अजवाइन 3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम गर्म पानी से लेते हैं तो भी पथरी के दर्द में आराम मिलेगा और आपका पथरी जो है गल के निकल जाएगा। अजवाइन 20 ग्राम, तुलसी के पत्ते 20 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, तीनों को कूट पीस के मिला करके रखिए और 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह, दोपहर और शाम गर्म पानी से लेते हैं तो भी आपकी पथरी निकल जाएगी। भुट्टे के बाल को जला करके आप रख लीजिए, उसकी 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह, दोपहर, शाम अगर पानी के साथ लेते हैं तो आपकी पथरी में बड़ा आराम मिलेगा। लहसुन की कली 2 ग्राम यवक्षार, जो पद आपको यवक्षार पंसाई दुकान में मिल जाएगी, इसके साथ सुबह शाम लेते हैं तो आपकी पथरी गल करके निकल जाएगी। मेहंदी के पत्ते आपको हर जगह मिल जाते हैं, 6 ग्राम मेहंदी के पत्ते को सुबह और शाम दोनों टाइम लेते हैं तो आपकी पथरी गल के निकल जाएगी। दालचीनी 1-1 ग्राम की मात्रा में सुबह, दोपहर और शाम को गर्म पानी से लेते हैं तो भी आपके पथरी में बड़ा आराम मिलेगा और पथरी निकल जाएगी। अगर विशेष परिस्थितियों के कारण इन दवाइयों से आपको लाभ नहीं हो रहा है, दर्द ज़्यादा है, पथरी बड़ी है, तो आप हमारे गुरु आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के कोने में आपको हमारा नंबर दिख रहा होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। पथरी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं बिना ऑपरेशन के इसका इलाज ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टरों के आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार ऑपरेशन करवाएंगे दोबारा पथरी फिर हो जाएगा, फिर तीसरी बार हो जाएगा, फिर चौथी बार हो जाएगा, कब तक आप ऑपरेशन करवाते रहेंगे। इसलिए हमारे वैद्यों के द्वारा ऐसी दवा बनाई गई है जिससे किसी भी साइज की पथरी हो वो निकल जाती है और उसके बाद फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी भी पथरी नहीं होती। इस प्रकार से आप चाहते हैं कि दोबारा ज़िंदगी में पथरी ना हो और पथरी से आपको छुटकारा मिल जाए, तो आप नंबर में हमारे वैद्यों से संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जितने भी अच्छे अच्छे आयुर्वेद के विचार है वो आपको मिलते रहें और जन कल्याण के लिए अपने मित्रों को आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद।